राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ, उसका आंसर आपको देना है। तो आप देखिए आप कितने जल्दी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मैं ईश्वर के आशीर्वाद से, आप लोग के सब लोगों की दुआओं से मैं केदारनाथ यात्रा की ओर प्रस्थान करूंगी, और जितना मेरे से बन सकेगा उतना मैं आपको वीडियो डाल करके चली जाऊंगी। जो नहीं बन पाएगा तो मेरा आने का इंतज़ार करना और फिर भगवान से दुआएं करना कि मेरी यात्रा ये सफल हो। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला है प्रश्न, सुनो ध्यान से। कपास के छोटे रेशों को कहते हैं, कपास के छोटे रेशों को कहते हैं स्टेपल, फिलामेंट, क्या करेक्ट आंसर है? कपास के छोटे रेशों को कहते हैं स्टेपल या फिलामेंट। आंसर आप मुझे बताना लिख करके, समय कम है तो भी मैं ज़्यादा आप लोगों से चर्चा नहीं करूँगी। दूसरा प्रश्न सुनो, किस रेशे को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? किस रेशा को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? अंग्रेजी वाली छात्राएं समझें, किस रेशा को यूनिवर्सल फाइबर की संज्ञा दी गई है? ऊल, लिनन, कॉटन, रेयॉन, कौन सा करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर क्या है? चलो मैं ही बता देती हूँ, मिला लेना। कपास के छोटे रेशों को तो स्टेपल कहते हैं, और कपास को ही विश्वव्यापी रेशा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा सुनो, ऐसा कौन सा प्राकृतिक रेशा है जो ना तो आग से जलता है, न जंग से खराब होता है, न नमी पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? उस रेशा का नाम बताओ। फिर से क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसा कौन सा प्राकृतिक रेशा है जो ना तो आग से जलता है, न जंग से खराब होता है, और न ही नमी का उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? उस रेशा का नाम आप बताइए। ऑप्शन बताऊं? ऊल, नायलॉन, गोल्ड, एस्बेस्टस, विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज एस्बेस्टस। पहले भी बताए थे, ना आग से जलता है, ना इस पर कोई जंग लगता है, और ना ही इस पर नमी का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, समझ गए। चलिए अब आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला मानवकृत रेशा कौन सा है? फर्स्ट मैन मेड फाइबर कौन सा है, उसका आंसर आपको बताना है। फर्स्ट मैन मेड फाइबर, मैं ही बता दूं, पहला मैन मेड फाइबर है रेयॉन। रेयॉन में नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, कौन सा रेयॉन? नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन। नेक्स्ट, नाइट्रोसेलुलोज मेथड से रेयॉन का रेशा अब क्यों नहीं तैयार किया जाता है? नाइट्रोसेलुलोज मेथड से रेयॉन का रेशे का निर्माण अब क्यों नहीं किया जाता है? क्या कारण है, उस कारण का बताओ। खर्चीला होने के कारण, या दूसरा ऑप्शन, कच्चे पदार्थ उपलब्ध न होने के कारण,
तीसरा आग जल्दी पकड़ लेने के कारण, और चौथा बाजार में बिक्री कम होने के कारण। करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज अधिक खर्चीला होने के कारण। इसका उपयोग अब नायलॉन रेशे के नाइट्रोसेल्यूलोज मेथड से इन रेशों का निर्माण कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। किन रेशों को जादुई रेशा कहा जाता है? किस रेशा को मैजिक फाइबर की संज्ञा दी गई है? बोलो, किस रेशा को मैजिक फाइबर कहा गया है? बोलो, ऑप्शन बताओ। रेयॉन, सिल्क, पॉलिस्टर, नायलॉन। करेक्ट आंसर क्या है? नायलॉन। करेक्ट आंसर क्या है? नायलॉन। नायलॉन रेशा को जादुई रेशा कहा जाता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। पहला मानव संश्लेषित रेशा कौन सा है? फर्स्ट मानव संश्लेषित रेशा कौन सा है? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर या ग्लास फाइबर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बोलिए कौन सा है करेक्ट आंसर? पहला मानव संश्लेषित रेशा है वो है नायलॉन। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। वस्त्रों की रानी किस रेशा को कहा जाता है? वस्त्रों की रानी किस रेशा को कहा जाता है? विच फाइबर इज नोन एज क्वीन ऑफ द फाइबर? कौन सा है वो? ऊल, रेशम, रेयॉन या नायलॉन? विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सिल्क। सिल्क रेशे को हम वस्त्रों की रानी कहते हैं। अब ये बताओ, क्वेश्चन 11वां है, प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबा रेशा कौन सा रेशा है? प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबाई वाला रेशा कौन सा रेशा है? उस रेशे का नाम बता दो। वूल, कपास, एस्बेस्टस या रेशम? द करेक्ट आंसर इज सिल्क। करेक्ट आंसर क्या है? रेशम है। ठीक है ना, रेशम का रेशा अत्यंत सुंदर होता है, इसे वस्त्रों की रानी कहते हैं। क्यों ना फाइबर इसको बोला जाता है, और इसकी लंबाई कोकुन के जो साइज है ना, इस पर डिपेंड करता है। कई कई तो इतने लंबे होते हैं उसके रेशे, जिससे अविरल लंबाई के धागे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको। गीली अवस्था में रेयॉन की शक्ति बढ़ती है या घटती है? एग्जाम में अक्सर आता है ये, और आप कंफ्यूज कर जाते हो। बोलो, गीली अवस्था में रेयॉन की शक्ति बढ़ती है या घटती है? बोलो, बढ़ती है या घटती है? घटती है। कितनी परसेंट घटती है? 30% तक घट जाती है। मेरा एक पर्सनल अनुभव है, मैंने किताबों में तो जरूर पढ़ा था कि रेयॉन की शक्ति गीली अवस्था में घट जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इतना जानकारी नहीं था।
तो मेरे पास एक रियोन की बहुत सुंदर नाइटी थी। उस नाइटी को जब मैंने धोया तो जो पार्ट ज़्यादा गंदा होता है, जैसे ये गर्दन वाला पार्ट हो जाता है या कफ का पार्ट हो जाता है, उसको मैंने जब रगड़ रगड़ के धोया तो वहीं से फटना शुरू हो गया। और बहुत महंगी रेयन की नाइटी थी उस टाइम की, है ना, आज से 25-30 साल पहले। बहुत जल्दी फट गई, 2 महीने के भीतर मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि यार गीली अवस्था में तो वो उसकी ताकत है 30% तक घट जाती है, और जब मैं इसको रगड़ रगड़ के धोऊंगी, ब्रश से खींच खींच के धोऊंगी, तो बट नेचुरल है कि वो जाएगा, ठीक है ना, तो उसकी शक्ति 30% तक घट जाती है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ लास्ट। कपास के वस्त्र पर स्याही की बूंदें डालने से क्या सभी जगह पर स्याही समान रूप से फैलता है, हाँ या नहीं? लास्ट क्वेश्चन। कपास के वस्त्र पर स्याही की बूंदें डालने से क्या सभी जगह पर स्याही समान रूप से फैलता है, हाँ या नहीं? क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? नहीं फैलता है, समान रूप से नहीं फैलता है। देखिए बिखरा हुआ रहता है, नहीं हो तो स्याही की बूंदें टपका के देख लेना, समान रूप से नहीं फैलेगा। तो चलिए आज मैं कोशिश करके अपने समय में से समय चुरा करके केदारनाथ जाने से पहले आपको ये वीडियो बना करके डाल दे रही हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगी आप लोग अपने मंजिल की ओर सफल होएं, और आप भी मुझे दुआएं दें कि मैं भी जहाँ मैं जिस यात्रा पर जा रही हूँ वो यात्रा मेरे लिए सफल हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक तो जाने की इजाज़त, बाय बाय।